told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया, और हमारी मंगलवार की सुबह हो गई है। अभी आप लोग सोचोगे कि मंगलवार और पूर्वी गुड मॉर्निंग बोल रही है, तो बस फ्रेंड्स अभी थोड़े टाइम के लिए है ना, मैं पार्ट टाइम करने वाली हूँ, तो सोचा है कुछ एक कोर्स वो सब का, तो इसीलिए तो थोड़े टाइम के लिए पार्ट टाइम किया जाएगा और उसके बाद हम वापस से कुछ ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से। तो बस देखते हैं थोड़े टाइम के लिए कैसा रहता है और सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा लाइफ में, तो बस करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। यहाँ पर आए हैं तो सब कुछ वापस वही, और बस जनक गए हैं जॉब पर और उनको कल से थोड़ा बेटर है, देखते हैं आज कैसा। तो मैंने डॉक्टर एक दो डॉक्टर देख कर भी रखे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। और घर से थोड़े उपचार भी आए हैं तो वो भी ट्राई करने में आएंगे अभी, मतलब वो आ जाएंगे, उसके पर मैं रेडी करके रखूँगी तो वो आ जाएंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे। अभी जनक को फ़ोन भी करती हूँ थोड़ी देर में, उनको कैसा है। तो बस फ्रेंड्स क्या करें, ऐसे मुझे है ना सब अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जॉब पर अच्छा लगता है थोड़ा, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो बस कुछ नहीं, उठी और थोड़ा क्लीनिंग वो सब किया और अभी चाय नाश्ता करूँगी। ये देखिए मेरी ग्रीन टी रेडी है, तभी ग्रीन टी पीने में आएगी सुबह सुबह, और फिर देखते हैं कुछ काम काज करते हैं। मैंने भी सोचा भी है थोड़ा सा नया नया कुछ ट्राई करेंगे अभी, क्योंकि और आज है ना बहुत गर्मी है। अभी सुबह सुबह ही वेदर फोरकास्ट का मैसेज भी आ चुका है कि आज हीट बहुत ज़्यादा जाने वाली है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने जुगाड़ लगाया है मेरे प्लांट के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स फिर वो है ना बहुत डायरेक्ट सनलाइट होता है ना, तो फिर वो ऐसे सूख जाते हैं, मर जाते हैं मेरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, जुगाड़ लगाया है, आप देख सकते हो उधर मैंने चादर बांध ली है अभी, है ना, तो डायरेक्ट उनके ऊपर सनलाइट ना आए इसलिए। और मेथी को तो है ना, अरे रातासुड़ की भाजी को तो मैंने टुवाल रखे ना उसके पीछे ही रख दिया है ताकि ढक कर रहे, तो ऐसा सब करना पड़ता है सनलाइट से बचाने के लिए इनको। और अभी मैं भी थोड़ी देर में, अभी सुबह सुबह है इसलिए अभी ब्लाइंड ओपन की है, अदरवाइज अभी थोड़ी देर में बंद भी कर दूंगी उसको, तो थोड़ा ठंडक रहे घर में इसलिए। तो चलिए चाय नाश्ता करती हूँ, जनक को भी फ़ोन करके पूछती हूँ कैसा है उनको। तो फ्रेंड्स आफ्टरनून हो चुका है, कितने बजे, 12:30 हो गए हैं, पता ही नहीं चला मुझे। मैंने भी अभी ही थोड़ा सा लंच कर लिया मेरा और अब मेरा चल रहा है ममरा। फ्रेंड्स मुझे लगता है ममरा तो सबके घर होता ही होगा, है ना, किसी के घर वो चीज़ बाकी नहीं रहती होगी, वो सबका नाश्ते में ममरा ना हो तो कैसे हो? वैसा है, तो बस ममरा कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि इस बार ऐसे तो मैं हर वक्त वो जो हम रागी का लाए थे ना वो मैं डालती थी, तो इस बार मैं वो धानी डालने का सोच रही हूँ। ये लाए थे वो, ये एक पैकेट है, सोच रही हूँ इस बार धानी डालने में आए तो उसका टेस्ट और कैसा आ जाता है। मैं क्या करती हूँ, पूरा डिब्बा भर के रख देती हूँ, तो मैं मस्त एक महीना तो चली जाता है ये, क्योंकि सुबह यही लेकर चले जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा फिर सेव नाश्ता ये सब मिक्स करके अच्छा लगता है ये सब। ये देखिए तो मैं वो हमारे सिंगाना आते हैं ना वो भी डालती हूँ, अभी नहीं डाला तो आपका दूसरे राउंड में डाल दूँगी। देखिए अच्छे से सोच रही हूँ कि कुछ नाश्ता जैसा बनाने में आए तो क्या है कि पूरी जैसा कुछ बना देती हूँ, ताकि ये थोड़ा चिप्स वो सब कम हो, मुझे वो सब पसंद नहीं है अभी, ये सब खाने खाने में है ना ये दांत की वाट लग रही है ऐसा लग रहा है। तो चलिए कुछ ऐसा नाश्ता बनाने में आता है, देखती हूँ कुछ अच्छा सा जो हम रख के एक महीने तक चला सके ऐसा कुछ। तो या वो सब है ना, एक्चुअली तो ऑयल बहुत होता है वो सब थोड़ा, चलिए आवाज़ आती होगी अभी, बाद में आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ममरा और धानी का चिवड़ा रेडी, और मैं फिर बाद में पीनट्स भी डाल ही दिए थोड़े। तो फ्रेंड्स आधी ही धानी यूज़ हुई है, उसमें मेरा ये डब्बा फुल हो गया, ये देखिए इतनी तो बच भी गई, क्योंकि ममरा मिक्स है ना साथ में इसलिए। ये देखिए तो नाश्ता रेडी हो, तभी क्या है जब भी खाना होना तो ये चाक के साथ थोड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। और ये है ना मैं कब लाई थी, जब होली थी लास्ट ईयर, तो होली के टाइम पे है ना पटर ब्रदर में वो लोग स्कीम में रखते हैं कि एक के साथ मत नहीं, आई थिंक दो का इतना और ऐसा कुछ होता है कुछ, तो मैंने उस टाइम पर लेकर उसको स्टोर कर दिया था कि चलता रहेगा इसलिए, क्योंकि आप जब रेगुलर लेने जाते हो ना तो उसकी प्राइस
रेगुलर जैसी होती है कि एक का उतना, एक का इतना, ऐसा। जब आप ऐसे स्कीम में लेते हो ना, तो आपको एक तो आप समझ लीजिए कि आप दो लोग ना, तो आप तीसरी तो आपको फ्री ही हो जाएगी। तो मैं मुमरा में भी ऐसा ही करती हूँ। तो ये मैंने धाना की है ना ले ली थी तब के टाइम पे, और तब तो शायद $1 में दो या तीन ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल से $1 में तीन ही ऐसा कुछ था। तो आप सोचिए चल रहा है मेरा अभी भी, अभी नेक्स्ट थोड़े टाइम में वापस से होली भी आ जाएगी आई थिंक, पर ये लास्ट ही है अभी। उस टाइम मैंने सिर्फ उतना ही लिया था। तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हो और आप बचा सकते हो। तो बस कुछ नहीं, चलो ये रेडी हो गए। आज मैं देखती हूँ कुछ कि क्या बनाया मैं आएगा नाश्ते में। और मैंने ढोकली के लिए दाल भी रख दी है, तो बाद में वो तो बनाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा वाली गंदी वाली है ना गर्मी है बाहर, ये देखिए फ्रेंड्स, है ना बहुत ख़राब। चलिए फ्रेंड्स 2 बज गए हैं, मैंने सोचा कि चलो मेथी तोड़ ही लेती हूँ। तो ढोकली क्या है बना के, उसका डो बना के रेडी कर देती हूँ ताकि चनक आए तो उसके बाद थोड़ा उसके साथ बैठा जाए। इसलिए तो गर्मी में बाहर निकलने में आ रहा है, इतना वो नहीं है पर है ना। और शुड देखा अगेन वापस वही का वही सो गए है ना। कितना भी ड्राई कर लो इसको, पर है ना ये बहुत तकलीफ़ वाला काम है। मैंने देखा भाजियों का, क्योंकि भाजी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ऐसा मुझे लग रहा है। पर अभी मेरी मेथी जो इतनी इतनी हो गई है ना ये वाली, तो आज मैं उसको अभी कट कर लेती हूँ। तो फ्रेश वाली मेथी हम ढोकली में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी मेथी मस्त हो चुकी है। तो मैं है ना अभी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर ऊपर से ही उसको कट कर रही हूँ, ताकि वापस आने के थोड़े चांस रहे उसके। तो अभी मुझे जितनी चाहिए, क्योंकि ढोकली में इतनी ज़्यादा तो यूज़ नहीं होती, वो जब मेथी की हम सब्जी बनाते हैं ना तभी वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, अदरवाइज ऐसे तो चल जाता है। थोड़ी भी सिर्फ टेस्ट के लिए चाहिए होता है उसमें। तो इसलिए देखिए आपको दिखाती हूँ मैं मस्त वाली, देखिए फ्रेंड्स मस्त हुई है ना, ऐसी फ्रेश फ्रेश मिल जाती है। पटेल ब्रदर लोटे में भी मिलती है, वो लोग ऐसे ही टाइप के छोटे बॉक्स आते हैं ना, उसमें बना उसमें ग्रो करके उसमें रखे होते हैं। पर ये है ना अगर घर से कुछ हो सके तो हम क्यों ना करें। ये देखिए जब भी चाहे हमें तुरंत ही कट करके हम अपने लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो अभी मैं ढोकली बना रही हूँ और मैं ढोकली में ये तुरंत यूज़ भी कर लूँगी, तो है ना अच्छी क्विक सर्विस। और घर की खेती कितनी काम आती है, ये देखिए मस्त वाली। तो फ्रेंड्स कितने बज गए, 2 बजे हैं और बस फ्रेश में ठीक कट करके ले आई हूँ। और ये देखिए मस्त लग रही है ना। तो बस मैं सोच रही थी कि फरसी पूरी बनाने में आए, पर अब बना नहीं सकती क्योंकि अभी बनाऊंगी ना आफ्टरनून में ऑयली चीज़ें, मतलब कुछ भी फ्राई करना हो ना तो मतलब ज़बरदस्त खेल खेलना जैसा है। इसलिए मैं अभी नहीं बना रही, देखती हूँ कल सुबह अगर मॉर्निंग में कर पाऊँ तो ठीक है, अदरवाइज़ देख लेंगी नेक्स्ट वीक में। तो अभी बस यही रेडी कर रही हूँ, ये रेडी करके रख दूँगी। सीटी भी मेरी हो ही चुकी है, जनक आए उतने में सब कुछ रेडी। अभी उनको पूछती हूँ कैसा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में उनका भी निकलने का टाइम हो ही जाएगा। तो अगर कुछ को कुछ खाना ऐसा कुछ हो तो मैं फ़ोन पे पूछ लेती हूँ। तब तक ये मेरा रेडी कर दूँगी और कल का फिर प्लान रखूँगी उसका, सुबह का मैं जल्दी स्टार्ट कर पाऊँ और जल्दी बना पाऊँ, क्योंकि सुबह में थोड़ी ठंडक सी होती है ना, और ऑयल जैसा होना तो विंडो थोड़ा ओपन करके वो निकल भी सकता है। अभी सब मैंने बंद किया है और घर में फिर वो सब वो हो जाता है, इसलिए स्मेल रह जाती है उसकी। और बॉबी जना कभी जॉब से मतलब बाहर गर्मी से आएंगे और घर में भी ये सब होगा, तो ऐसा वो कुछ बोलते नहीं है, पर ऑफ कोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि इतने हीट वेदर से आप घर में आते हो और घर में भी फिर वो ऑयली ऑयली और सब, हम गैस चालू रखते हैं तो वो भी गर्मी होती है। ऑफ कोर्स वो आए कि उससे पहले मैं एसी भी चालू कर दूँगी तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, यू नो। तो चलिए मैं भी अपना रेडी कर देती हूँ, ये डो बना कर रेडी कर देती हूँ, एटलीस्ट बाद में उनको फ़ोन करती हूँ। तो फ्रेंड्स 3 बज गए और अभी तक जनक नहीं आया, पर उनकी फरमाइश पे आज अभी मैं मैगी बना रही हूँ। उन्होंने बोला कि बना दो, शायद लग रहा है भूख लगी होगी।
कोई बात नहीं, वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मैंने मैगी ऑलरेडी रख दी है, और मैं है ना मैगी ऑलवेज जो पूरा होता है ना मैं पूरा डाल ही देती हूँ। तो जैसे मुझे ऑलवेज बोलते हैं कि थोड़ा तोड़ के डाला करो, फिर जब लेना होता है तो वो पूरी लंबी आती है, उनको खाने में प्रॉब्लम होता है। तो इस बार मैं अभी तोड़ के दूंगी उनको, तो उनको भी जब खाएंगे तब समझ जाएंगे वो इस बार बोला है वो किया है। फ्रेंड्स 3:30 हो गए और चलिए मैगी भी रेडी। लाइट्स ऑफ करते ना होता है, थोड़ा गर्मी कम होती है घर में भी, और ऐसे कर दिया क्योंकि ये आ गए। तो चलिए इनकी जुबानी इनकी तकलीफ सुन लेते हैं। कैसा आपको? है आपको? अच्छा है, अभी थोड़ा थोड़ा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो बाद में ना वो लविंग को गरम करके ये मुंह में रखेंगे, ऐसा मम्मी ने बोला है। ओके, तो बाद में मैं वो करती हूँ, मैगी खा लो उसके बाद, ठीक है? और बहुत गर्मी है, है ना, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। माय गॉड कितनी गर्मी, बाजी हुई गई आखिरी बार। तो अभी पासो पानी ना खेल के बद्दू तो हूँ, फिर से पूरा पानी डाल के आई हूँ सब में, 2-3 बार तो डाल के आई। तो अभी मैंने कुछ किया है बाहर, जुगाड़ लगाया है मैंने एक, क्या आप बाद में जाके देखना। चलिए फ्रेंड्स अभी तो यूट्यूब चालू करते तो अभी बस अंबानी वही चल रहा है। बस हल्दी शादी सेरेमनी देखते हैं, चलो चलिए वो देखकर हम भी मजा ले लेते हैं, और क्या है ना, मजा आएगा। तो फ्रेंड्स शाम के 6 बज गए और मैंने खाना डिनर सब कुछ बना के रेडी कर दिया है, और बाद में जनक ने मैगी खाई और उनको भी लविंग मुंह में रख के दे दिया है, मैंने भी रख लिया है, थोड़ा बहुत भी जो है तो शायद उसे कुछ अच्छा हो जाए तो रख दिया है, उन्होंने भी रख दिया है और वो थोड़ी देर सो गए हैं, तो बाद में उनको उठाऊँगी। और बस इसी तो चालू ही रखना पड़ता है अभी पूरा दिन, ऐसी हालत हो गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गुंदे काफ़ी, ये जो बाद में लाए थे ना वो बड़े वाले बड़े बड़े जो लाए थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कलर भी अभी चेंज है ना, अभी इतना ग्रीन नहीं लग रहे, थोड़ा लाइट हो चुके हैं यहाँ वाले भी। ये देखिए फ्रेंड्स नज़दीक से दिखाती हूँ, है ना, मस्त गुंदे हो चुके हैं। एक जो वो वाली जो बनी थी ना वो तो फ्रिज में रख दी है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो वो भी होते रहेंगे यहाँ पर। चलिए कुछ नहीं, और बात कल तो मेरा फास्ट है तो मैं सोच रही हूँ कि कैरी तो है ही वो खा लूँगी, और जनक को चाहिए तो उनको भी काट के दूंगी, पर उनका थर्सडे भी फास्ट है तो वो थर्सडे खा लेंगे, क्योंकि फिर एक ही चीज़ रोज़ खाते ना तो भी अच्छा नहीं लगता इसलिए। और ये कौन है, चलिए। और देखिए ये मैंने जो बांधा था ना, अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिन बांध के ही रखूँ उसको, वो वाली मेरी चादर को, तो डायरेक्ट गर्मी ना आए। वो जो मैं भाजी रखी थी वो थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, इतनी निकल आई है, पर अभी तक धनिया नहीं निकला, पता नहीं क्यों, तो उसको देखना पड़ेगा थोड़े दिन में। चलो लाइट्स ऑफ, खाना रेडी, अभी थोड़ा देखते हैं, जनक के पास जाती हूँ, उनको पूछती हूँ कैसा है उनको। पानी की बॉटल, वो तो आज पूरा दिन पी कर, मैंने तो पानी से ही अपना पेट भर लिया है, वैसा है। तो फ्रेंड्स शाम के 7 बजे और हम निकल पड़े हैं दांत के कामकाज के लिए, हाँ सेंसोडाइन लेने के लिए। कितने ज़बरदस्त, डायरेक्ट सेंसोडाइन लेने के लिए जा रहे हैं हम, स्पेशल आज तुमने ये देखी हमारी थी सरस। तो चलिए चलते हैं, लेकर ही आते हैं फाइनली, ऐसा तो थोड़ा अच्छा है कल से, तो है ना आपको, ओपन करो। हाँ सॉरी, तो बस ले ही आते हैं अब जाकर। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं भी साथ में ही आया हूँ, तो देखिए थोड़ा बेटर है, पर सोचा कि दवाई लेके ही आते हैं, तो मतलब सेंसोडाइन मतलब हाँ टूथपेस्ट, तो उससे थोड़ा फर्क पड़े हाँ। इसीलिए लेके आते हैं, और आज माउथ वॉश भी कर लेना, शायद उससे हाँ, कुछ उससे अंदर भी कुछ हो ना तो वो हाँ, निकल जाए ऐसा कुछ। यस, तो वो देखते हैं और हाँ, चलते हैं, चलो कुछ ना कुछ देखते आते हैं, है ना। थोड़ी आवाज़ अभी ज़्यादा निकल नहीं पाएगी क्योंकि अंदर रखा हुआ है, इसलिए आराम से। मैंने भी रख दिया है, लविंग रख दिया है दोनों ने। चलिए तो चलती है सवारी हमारी CVS, क्या बोलते हो? हाँ, आज लविंग डे हो गया हमारा, हाँ, ये वाला लविंग, हाँ ये लविंग, हाँ दूसरा लविंग नहीं।
चलो। तो फ्रेंड्स सेंसोडाइन ने कंफ्यूज कर दिया, बहुत सारे है। ये भी है एक सेंसोडाइन, इधर भी है एक सेंसोडाइन, ये भी है एक रैपिड वाला, ये तो चलो समझे मिंट फ्लेवर है, ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग है, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट है, कंप्लीट प्रोटेक्शन में भी है, और सेंसिटिविटी एंड गम, तो बहुत सारे सेंसोडाइन है। देखते हैं कौन सा वाला ले, सब देखना पड़ेगा अभी उसमें, है ना। फ्रेंड्स सेंसोडाइन लेकर आ चुके हैं हम, लो चाय कहाँ से मेरे पास, मेरे पास ही, अब मैं उनको पूछ रही हूँ। फ्रेंड्स है ना, अगर आप आपके पास CBS का ना हो तो मेक श्योर आप CBS में अपना मेंबर करवा लीजिए, उसमें कुछ चार्ज भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है, सिर्फ वहाँ जाकर काउंटर पे से आपको अपना अकाउंट भी नहीं, आई थिंक कुछ ऐसा ही कुछ होता है, मैंने बहुत टाइम पहले मेंबरशिप जैसा बहुत टाइम पहले करवाया था जब मैं भी यहाँ नहीं आई थी तब, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी नया कुछ भी आता है ना तो आपके ईमेल पर वो कूपन आती रहती है, तो आपको जब ऐसा कुछ लेना हो ना तो आपके थोड़े भी डॉलर कम हो जाते हैं, क्योंकि वो कूपन से कभी $4 कम होते हैं, कभी 25%, कभी 35%, ऐसा सब होता है, तो आपको कुछ ऐसा लेना हो ना तो अच्छा रहता है। इसमें तो जोर लगाने का नहीं होता, फिर भी जोर लगाने का एवं नहीं, पहले मैंने ऊंधू पड़े ना, इतने मारे करवा पड़ा ऊंधा हाथे। चलिए फ्रेंड्स 8 बज गए और हम लोग सेंसोडाइन लेकर आ गए हैं, बाद में देखते हैं खाना खाने के बाद दोनों ही कर लेंगे, है ना, फास्ट रिलीफ वाला लेकर आए हैं, देखते हैं कैसा रहता है कल तक, कल आज भी यूज करेंगे और कल भी यूज करेंगे, है ना, अभी एक दो दिन करेंगे फिर वीक में एक बार ऐसा रखा है अभी हमने, है ना, ट्राई करते हैं कैसा रहता है, हो जाएगा अभी भी उनको थोड़ा सा है इसलिए, और लविंग मुँह में रखा तो पता नहीं लविंग फूल गया है, हाँ लविंग फूली गई मोड़ा मुगी ने, पता नहीं ऐसा हुआ। चलिए फ्रेंड्स व्लॉग का एंड भी यहीं करती हूँ आज, क्योंकि खाना बैठ रहे हैं अभी, ये देखिए हमारा डाइनिंग टेबल सज चुका है, तो मिलते हैं कल, अभी थोड़े दिन आपको थोड़ा ऐसा ही देखने मिलेगा, सॉरी क्या करें, क्योंकि यही है जिससे काम कर सकते हैं और वही नहीं कर सकते, तो रहता है ऐसा। तो चलिए फ्रेंड्स व्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं, मिलते हैं कल वापस आप सबसे ऐसे ही, होप सो अच्छा दिन रहे हमारा, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए। यस ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। हार्ट्स बीट टू द सिटी स्ट्रीट्स, वी बिगिन टू फील।